विद्यार्थियों, हम आपको पिछले वीडियो में मेंसुरेशन 8 नंबर की, अलजेब्रा आपके 18 नंबर की, कोऑर्डिनेट आपके 5 नंबर की, त्रिकोणमिति आपके 12 नंबर की, रियल नंबर आपके 5 नंबर की, संख्यांकी आपके 10 नंबर की यूनिट बाय यूनिट करा रहे हैं। हम आपको 10th क्लास का टोटल सिलेबस करा देंगे, आप आराम से देखते रहें और पढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करो। आंकड़े आपको दे रखें प्रत्यांक 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। बारंबार दे रखें आपके 2, 4, 9। अब आप देखिए अपनी आंसर वाली टेबल, जो आपकी प्रत्यांक दे रखें प्रत्यांक लिखेंगे, नीचे एफ का मान जो दे रखा है वो एफ का मान लगाएंगे आप। आपकी संचयी बारंबारता कहाँ से मिलती है, जो आपका कैपिटल एफ है। देखिए जो अभी आपकी बारंबारता देखी है उसको आप ऐड करेंगे तो वन को ऐसे लिखेंगे, वन में आप 4 को जोड़ेंगे तो आपका 5 हो जाएगा, 5 को आप 9 में जोड़ेंगे तो आपका 14 हो जाएगा। 14 ये आपका क्या है, एन बराबर 14। तो यहाँ से आप एन बाई 2 निकालेंगे तो क्या जाएगा आपका 14 का आधा 7 हो जाएगा। तो इसी 7 से आप क्या करेंगे, इसमें जो मान है वो मान जो हमने आपके सामने दिखा रहे हैं यही मान इसी के हिसाब से काउंट होते हैं या देखे जाते हैं। 5 और 14 के बीच में देखें तो क्या आ रहा, 7 आ रहा है। तो ऊपर वाला मान क्या होगा, कैपिटल एफ होगा आपका 5, स्मॉल एफ आपका 9 हो जाएगा, L1 30 और L2 आपका 40। इसी यही मानों को उठा के हम कहाँ रखेंगे, अपने फार्मूले में या सूत्र में। माध्यिका बराबर L1 प्लस L2 माइनस L2 माइनस L1 बटे छोटा f n बटे 2 माइनस कैपिटल F, दोनों ब्रेकेट में है। आगे आप देखिए जब इनके आप मान लगाएंगे तो 30 प्लस 10 बटे 9, ब्रेकेट वाला मान क्या है आपका n बाई 2, 7 माइनस 6। आगे आप देखिए 30 प्लस 10 बटे 9 गुणा 1, सात में से एक निकाल, 7 में 6 निकालेंगे, एक ही तो बचेगा। आगे आप देखिए जब आप 30 प्लस 9 बटे 9 को जब भाग करेंगे या डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 30 प्लस 9, 30 प्लस 1.1 जब आप इसको जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 31.1। यही आपका आंसर है, सलूशन है। अगर आपको वीडियो सही व सटीक लगती है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।